जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नीतू बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम माँ हो, इसलिए तुझे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन याद रखना, अगर तूने प्रेम का साथ दिया ना, उसे सपोर्ट किया, तो वो तुझे जिंदगी भर भारी पड़ेगा। मम्मी जी, मुझे लगता है इस घर पे ना सारी गलतियां सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही करते हैं, और सारे सबक हमें ही सीखने हैं। नहीं तो तुम बात खुल जा रही। मैंने प्रेम को इसलिए नहीं मारा कि उसने कल्पी को बसाया, मैंने प्रेम को इसलिए डांटा है क्योंकि उसने पैसे चुराए। उसने पैसे चुराए नहीं है साहब, पैसे उठाए। ठीक है, आज उसने पैसे उठाए, कल वही पैसे उठा के जेब में डाल लेगा, और वो इसलिए नहीं क्योंकि उसने किसी को फंसाना है, बल्कि वो इसलिए क्योंकि उसको पता है कि इस घर में पैसे कितने इजीली अवेलेबल हैं। पैसे की अहमियत क्या होती है वो उसे किसी ने सिखाई नहीं। विट्ठल, सच्चाई की जीत हुई, असली गुनेगार सामने निकल आया। गणपति बप्पा मोरया। कल्पी, अरे कल्पी जल्दी उठना। क्या है, इतने जल्दी क्यों उठाते हो? दिव्या मासी को जल्दी जाके देखे, नहीं तो वो चली जाएगी। चाचा सुन, कल्पी को भी लेकर जाएगी वहां, क्या जरूरत है? विट्ठल, मैं कल्पी को वो सब बताना चाहती हूँ जो हमारे साथ हुआ है, क्योंकि जब वो बड़ी हो उसे पता चले कि खुशी सिर्फ सुख में नहीं दुख में भी मिलती है। आज तक तू मुझे लेकर जाती थी, अब मेरी राजकुमारी को भी। विट्ठल, मैं तुझे जबरदस्ती कहीं नहीं लेके जाती, तुझे नहीं आना है तो मत आ, लेकिन मेरा मानना है इसीलिए मैं। कमला, मुझे भी लगता है, समझता भी हूँ, एक बड़े शहर में छत देने वाला भगवान से कम नहीं होता, और कुछ भी कहो, अन्नदाता थे वो हमारे, साल में एक दिन याद करके हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। देख, तू मेरे साथ रह के कितना समझदार हो गया है ना। अच्छा, कल्पी भी समझदार हो जाएगी। कहाँ भेजा, कहाँ उसे? वो दिव्या के घर। दिव्या मौसी, गुड मॉर्निंग। छोटी व्यवसाय, क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना हम आपके साथ नहीं चल रहे। क्यों? आई को कुछ काम है ना। पहले क्या काम है? सीक्रेट है मौसी, ताई ने बोला होगा। और मुझे पता है, तू तो कमला ताई की पक्की भक्त है, किसी का विश्वास नहीं तोड़ेगी। आप ये लेटर पाखी को पढ़ के सुना दोगी? क्योंकि ना मुझे आई ने कहा है कि पाखी तो आई के बिना उठती नहीं है, इसीलिए आप ये लेटर उसको पढ़ के सुना देना, ठीक है? बोलो साचे दरबार की जय। क्या काम दे दिया सवेरे सवेरे? ताई ने तो मुझे बॉर्डर पे जंग लड़ने भेज दिया। बाय गॉड, बेस्ट ऑफ लक दिव्या मौसी। क्या हो गया, फिर पैसे खो गए क्या? तो क्या? अरे एक बहुत जरूरी फाइल घूम गई है, सुबह सुबह नहीं मिली तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अरे तो पसारा कर रहे हो ना तुम? ये क्या है, राघव का पासपोर्ट हमारे पास क्यों है? हाँ, वो मैंने रखा था, वो राघव के स्कूल वाले उसको सिंगापुर लेके गए थे तब बनवाया था, उसके बाद मैंने उसे अपने पास ही रख लिया। क्यों? और अगर ये भी खो जाएगा ना तो हमारा बहुत करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, समझी? यस, तुम्हें की प्रॉब्लम है?
इतने सालों से मैंने लड़ाई लड़ी है रगफ की कस्टडी के लिए उस मिश्रा से जो अभी अमेरिका बैठा हुआ है, और यकीनन वो अभी कोशिश करेगा राघव को अपने पास बुलाने के लिए। मिश्रा, वो मिश्रा, मिश्रा। अरे नीतू, तुम दिमाग पे जोर मत दो, तुम नहीं जानती मिश्रा जी, राघव भी काफी अटैच्ड है उससे। कहां रख दी हो फाइल? ओहो, तो ये ना गर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं है क्या? ये साहिल, मैंने ना राघव को फोन पे छुप छुप के बात करते देखा है। वो ना फुसफुसाता रहता है, धीमी आवाज में बात करता रहता है किसी से। मैंने क्या सोचा, जवानी आ रही है, ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड होगी। उस पर नजर रखना नहीं तू, उसको तो ये लगता है कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तो सारी जायदाद उसकी हो जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, समझी? और तुम्हें भी इस चीज की जिम्मेदारी लेनी है, तुम जानती हो ना उस लड़के को संभालना बहुत जरूरी है। डोंट वरी साहिल, ढूंढ रहे हो? नहीं, किसी को तो ढूंढ रहा था मैं सुबह से। ओह थैंक गॉड, लगता है रात को इधर ही भूल जाऊंगा। तुम ना ख्याल ही रखते हो चीजों का। अरे अरे, मैं कहां भागी जा रही है? अरे कमला ताई कहां है? कमला ताई तो मम्मी जी आज लेट आएंगी, पर एक चिट्ठी दी उन्होंने आज। लाला मुझे दे। आपके लिए दिए मम्मी जी। तो फिर किसके लिए है? क्या भाई, क्या किसके लिए, क्या किसके लिए नहीं। वो कमला ताई आज लेट आएंगी ना, इसलिए पाखी के लिए चिट्ठी लिखी है। नीतू, वो उठेगी नहीं ना, इसीलिए कमला ने चिट्ठी दी है पाखी के लिए। अच्छा, दिखाना। पागल हो रखी है आपकी कमला, दिन ब दिन ना दिमाग फिरता जा रहा है उसका। मैं नहीं आंखें खोलूंगी जब तक कमला माँ नहीं आती। अरे मेरे बच्चे, अगर अब आंखें नहीं खोलोगे तो चिट्ठी पढ़ोगे कैसे? अच्छा लाओ, लाओ भाई चिट्ठी, हम पढ़ रहे हैं आपके लिए चिट्ठी। ये लो। मेरी प्यारी बेटी पाखी, जब मैं छोटी थी मेरी आई मुझे रोज सवेरे उठाती थी, और फिर मैं अपनी आई की मदद करती थी। फिर एक दिन मेरी आई को सुबह सुबह बाहर जाना पड़ा, और उस दिन उसने मुझे उठाया ही नहीं। जब सूरज की रोशनी मेरी आंखों में पड़ने लगी तो मेरी आंख खुल गई, पर आई को घर में ना देखकर मैं रोने लगी। आई ने मुझे क्यों नहीं उठाया? आई थोड़ी देर बाद वापस आ गई तो मैं जिद करने लगी। तब मेरी आई ने मुझे समझाया कि हमेशा तो आई नहीं होगी उठाने के लिए, इसका मतलब ये थोड़े ही हुआ कि मैं उठूंगी ही नहीं और अपना काम ही नहीं करूंगी। डियर पाखी, मुझे पता है। कमला माँ ने डियर पाखी लिखा? हाँ बच्चा, तू खुद देख ले बेटा। अच्छा, वो लेटर कल्पी से लिखवाया होगा। हाँ बेटा, मुझे पता है तू मेरी अच्छी बच्ची है, तू भी मेरी तरह तब तक आंख नहीं खोलेगी जब तक मैं नहीं उठाऊंगी। लेकिन आज मैं लेट होऊंगी, सो प्लीज पाखी बेटा, अच्छे बच्चे की तरह अपने आप उठकर तैयार हो जाना। बस, और लास्ट में क्या लिखा? लव कमला माँ। यस, मैं कमला माँ की अच्छी बेटी हूँ, मैं आज खुद तैयार हो जाऊंगी। बाप रे मम्मी जी, कैसा रिश्ता है कमला ताई का इस बच्ची से? हाँ बेटा, जब से पैदा हुई है तो तब से देख रहे। अरे इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, नीतू ने मुझे फाइल दी थी। ले बेटा, ये फाइल राघव को दे दे। मैं चलता हूँ। एक मिनट रहो। क्या है, मैं लेट हो रहा हूँ।
क्या एडजस्ट कर रही हूँ? तुम ना जरा भी ख्याल नहीं रखते और ना मुझे रखते। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।